जी द थिंग इज दैट वी आर स्टार्टिंग कश्मीर में हमारी पहली एक लिंक जोड़ रहे हैं जो कि अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक स्पोर्ट्स कंपनी हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक स्पोर्ट्स कंपनियां जो थी वो प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप्स दे रही थी। जैसे आप ग्रे निक्स से लेके देखें अभी तक जो सबसे लो वाला ब्रांड है, हम किसी को ये नहीं कह सकते, लेकिन एट एन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल अगर आप देखें तो सब कंपनियां प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, लेकिन वो प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप मिल रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्स हैं। लेकिन हमने, हमारा मकसद क्या है, अभी हमने सोचा कि हमारा जो रॉ टैलेंट है जो पूरे इंडिया में, अगर आप देखेंगे इंडिया इज कंसिडर्ड द कैपिटल वेयर द क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड सचिन इज द गॉड ऑफ द यहां पे क्रिकेट का। इंडिया में अगर आप देखेंगे पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करेंगे तो उसमें अगर आप सचिन की बात करते हैं दैट मीन इज द बैट्समैन नेशन। इंडिया में पूरा सबसे ज्यादा पूरा इलाका बॉलरों का नहीं माना जाता है लेकिन बैट्समैन का माना जाता है। बैट्समैन अगर आप कंसिडर करेंगे तो बीइंग ए कश्मीरी, बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ कश्मीरी क्रिकेट गुड्स एंड अदर क्रिकेट विलो क्रिकेट बैट्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स, हम कश्मीर में वी आर द कैपिटल ऑफ क्रिकेट बैट मेकिंग इन इंडिया, क्योंकि 400 फैक्ट्रियां हैं, 3 मिलियन से ज्यादा 30 लाख बैट एनुअली ग्रो करते हैं। लेकिन हम जब कैपिटल हब होने के बावजूद हम अगर रॉ टैलेंट पूरी दुनिया को दे सके वो सबसे बड़ी एक कामयाबी होगी। और क्रिकेटर्स जो हैं उनको स्पॉन्सरशिप देने के बजाय उनको अगर हम मौका फराहम करें इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स में खिलाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में खिलाएं। अगर आपको याद हो आज से 10 से 12 साल पहले कि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स थे खाली 8 से 10 क्रिकेट टीम्स थे, लेकिन अभी वी हैव 175 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। और उसके अलावा आईसीसी अगर इतना ग्रोथ कर चुका है, कश्मीर में सिर्फ 2.5 लाख बैट एनुअली बनते थे लेकिन अब अगर आप देखेंगे वी आर मैन्युफैक्चरिंग 30 लाख प्लस बैट्स एनुअली। तो ये चीज अगर हम इस सनद में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में तो हमें इस चीज में भी आगे रहना चाहिए कि हम जो क्रिकेट प्लेइंग अच्छे पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कश्मीर में है चाहे वो कन्याकुमारी तक किसी भी जगह में है, हम चाहते हैं कि एक डेटाबेस कलेक्ट करें, प्लेयरों को हम एक मौका फराहम करें इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स में खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स में खेलने का। तो वो मकसद है आपको यहां पे बुलाने का कि आप ये बात हर किसी क्रिकेटर तक पहुंचाएं कि आपके पास अभी तक किसी को कोई वो मतलब फ्रेमवर्क नहीं होता था कि वो अपने करियर को आगे सोचता मैं करूं क्या। उसको हजारों लोग आगे मिलते हैं, कोई कोशिश नहीं होती, उसका टाइम जब तक वो रिटायर होता है उस बेचारे को कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो हमने ये सोचा है कि हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, इसलिए आपको यहां पे बुलाया है। सर, स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे हम क्या करेंगे, हमने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली है मोबिका स्पोर्ट्स, नियाजुल कबीर विल बी हेडिंग दैट वेरी थिंग। वहां पे क्या होगा, जो भी क्रिकेटर कहीं पे भी गली कोचे में खेल रहा है कहीं पे, हमारे लिए कुछ अलग से नहीं करना है, कोई बारामूला में क्रिकेट खेल रहा है, उड़ी में खेल रहा है, हिमाचल में खेल रहा है, कन्याकुमारी में, गोवा में, हैदराबाद में, उसको क्या करना है, एक वीडियो क्लिप अपनी बनानी है, अपनी बैटिंग की, अपनी बॉलिंग की, अपनी विकेट कीपिंग की। वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें टैग करेंगे, grhsports.biz अगर आप देखेंगे फेसबुक और इंस्टा, या grhsports_ltd में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेजेस गलत बन चुके हैं, फेक बन चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कोई खिलाड़ी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अच्छा पोटेंशियल क्रिकेटर बिलो द एज ग्रुप ऑफ 36, या आप याद रखें 36 से जायद नहीं चल सकते, तो उनको क्या करना है, वो अपनी नेचुरल गेम खेले पूरी इंडिया में कहीं पे भी जो वो खेल रहे हैं, हमारे लिए कुछ अलग से नहीं करना, वो अपने खेल का, अपनी बॉलिंग का, अपनी बैटिंग का, अपनी विकेट कीपिंग का एक वीडियो बनाएंगे
उस वीडियो को आप अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट पे gr@sports.org, उसमें हमने फॉर्म अलग से रखा हुआ है ग्रेट सिलेक्शन के नाम से, वहां पे वो जाएंगे अपना प्रोफाइल और अपना डेटाबेस हमें सेंड करेंगे। अगर वो सिलेक्ट, व्हाट आई एम गोना डू, इसमें क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस आएगा एक साल तक पूरे इंडिया से, उन लड़कों को हमारी मोबिका स्पोर्ट्स करके हमारी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है हेडेड बाय नियाजुल कबीर, ही विल बी डूइंग, उस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में, वो हमारी दुबई बेस्ड है, उसमें हमारे इंटरनेशनल अंपायर्स हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो उसको एसेस करते रहेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमारे पास अगर कश्मीर में 100 बैट्समैन, 100 बॉलर, 50 विकेट कीपर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, एक साल के बाद द सिलेक्शन कमिटी मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स एंड फ्रेंचाइजीज, आई एम गोना ब्रिंग देम टू कश्मीर, वहां पे उनके ट्रेल्स होंगे आमने सामने इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में, वो फिर अपने टीम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन टोटली मेरिट बेसिस। कहीं पे कोई बंदा एक रुपया कहीं किसी से नहीं मांगेगा, कोई बंदा किसी को ये नहीं बोलेगा भाई मैं आपको चांस दिलाऊंगा। मुझे एक हफ्ते से जब से मैंने मीडिया में आउट किया, लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हाईजैक हो रहा है आपका प्रोग्राम, लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं एंड ऑल दैट, हम आपको इंटरनेशनल में ये ना मौका फराहम करेंगे, और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कहीं पे कोई पैसा यूज नहीं हो रहा, खाली डेटाबेस बन रहा है, डेटाबेस की बुनियाद पे प्योर मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअली जो स्पॉन्सर में प्रॉब्लम हो रही है वो एक्चुअली जो हमारे प्लेयर्स है उसमें हम उनको एज अ मार्केटिंग एजेंट यूज वो होते हैं, एक्चुअली उनका जो हम उनका मकसद नहीं निकल रहा है उसमें, खाली हमारा जो हम मैन्युफैक्चरर्स है हमारा मकसद निकल रहा है, क्योंकि हमारे क्या हमारे उससे कस्टमर बेस ज्यादा बनती है, लेकिन उससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, अगर उनका एक दो सीजन खराब जाए तो उनको स्पॉन्सर भी नहीं करते बाद में। तो इसलिए हमने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, हम ये नहीं चाहते खाली हमारे वो मार्केटिंग एजेंट बने, बल्कि अगर उनमें टैलेंट है तो हम उनको मौका देना चाहते हैं हर एक जगह इंटरनेशनल लेवल पे, मुख्तलिफ कंट्रीज में जितने भी जहां जो लीग होगी वहां पे हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हमारे पास मैंने जो बोला टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हेडेड बाय हिम ओनली नियाजुल कबीर, ये क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी कमिटी में मेंबर्स हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे एक साल तक, अभी से बराबर आप चलिए, अगले साल इंशाल्लाह फेब मार्च में हमारी सिलेक्शन बोर्ड यहां पे आएंगे, डिफरेंट ममालिक से, एक ही बार नहीं आएंगे, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक दो दो स्लॉट हमारे लिए निकालेंगे वो लोग एज पर MOU, तो उसमें वो लोग अपने हमारे यहां से लड़के एक साल बाद उसको पता नहीं चलेगा वायर आई एम। इसमें क्या होगा कि कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, किसी बंदे ने एक ही गेम अच्छी खेली, वो वही वाला हमें वीडियो सेंड करेगा, जी मैंने सेंचुरी मार दी 28 गेंदों में और मैं सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। पूरे साल का डेटाबेस, उसके कम से कम 20 वीडियो हमारे पास होने चाहिए बॉलिंग के बैटिंग के, जिसमें एसेस करके हम देखें कि दैट इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट एंड ही कैन बी शॉर्टलिस्ट। टैलेंट वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट हियर इन द कश्मीर, बट द इशू इज वी डोंट हैव, नोबडी हैज रियली वेंट टू दैट लेवल, दैट इज जस्ट बिकॉज दैट we don't have any framework, we don't have any way to reach there. So that's why we have actually had an MOU with different nations, so that we can take the Kashmiri cricketers to that to different nations. और इसमें एक चीज और है, इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपके क्वेश्चन का, जो आपने कहा कि ये जो वीडियो अपलोड होंगे, ऐसा उसमें वीडियो अपलोड में अगर वो हमें DM करते हैं या वो हमें WhatsApp करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा जी, जी, जी। वो खाली उनको पेज पे अपलोड करके हमें टैग करना पड़ेगा, क्योंकि DM और WhatsApp वो हम इतने चेक नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे ये हैंडल करते हैं मोबिका स्पोर्ट्स, वो उसको पर डे बेस पे फिर उसके बाद एक टाइम बेस पे उसके बाद शॉर्ट लिस्ट बनता जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वो पेज पे अपलोड करके हमें टैग कीजिएगा, इसमें आप हमें DM नहीं कीजिएगा प्लीज।